सत श्री अकाल जी, चढ़ती कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नजर मारते हैं हुण तक दीआं खास खबरां ते। संयुक्त किसान मोर्चा वालों एक अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दौरान जोगिंदर यादव ने कहा कि 9 दिसंबर नूं केंद्र सरकार ने जो किसानों नाल वादा किया सी उसनूं पूरा नहीं किया गया, इसलिए असीं 31 जनवरी नूं विश्वास घात दिवस मनाया सी। उत्थे ही प्रैस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देते हुए शिव कुमार कक्का ने कहा कि घट्टो घट समर्थन मुल MSP उत्ते कमेटी नहीं बनाई गई, किसानों उत्ते दर्ज किए गए केस वापस नहीं लाए। उन्हें कहा कि बिजली बिल के मुद्दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई, पराली के मुद्दे उत्ते सरकार ने कुछ भी नहीं किया। शिव कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 बिंदुओं उत्ते वादा खिलाफी की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गोवा विधानसभा चोणों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट पाने लोगों को अपील की है। अरविंद ने कहा कि गोवा का भविष्य संवारना आम आदमी पार्टी को मौका दो। आम आदमी पार्टी सूबे दी सारी विधानसभा सीटों उत्ते चोण लड़ रही है। पंजाब विधानसभा चोणों के मद्देनजर भाजपा ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भाजपा लई पंजाब विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लैके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा समेत कई दिग्गज प्रचार करेंगे। इस तो इलावा हेमा मालिनी और गुरदासपुर तो संसद मैंबर सनी देओल का नाम भी इस लिस्ट में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, सोम प्रकाश और BJP आगू अविनाश राय खन्ना का नाम भी इस लिस्ट में है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी खेत्र दी नौकरियों में हरियाणा वासियों को 75% राखवाकरण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून उत्ते वीरवार को अंतरिम रोक लगा दी है। इस कानून को चुनौती देने वाली पटीशनों में एक दे वकील ने दसा कि अदालत ने अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालतों का यह आदेश खेत्र में काम कर रही कंपनियों लिए राहत लेके आया है। इन्हों का मानना है कि इस कानून का भविष्य में उन्होंने कामकाज और निवेश उत्ते प्रतिकूल प्रभाव पवेगा। हरियाणा राज स्थानक उम्मीदवार रुजगार कानून 2020 राज्य के नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को निजी खेत्र दी नौकरियों में 75% रकमाकरण देता है। यह कानून 16 जनवरी तो प्रभावी होया सी। पंजाब विधानसभा चोणों के मद्देनज़र जिथे आम आदमी पार्टी वालों भगवंत मान को CM चेहरा ऐलाना गया, उत्थे ही पंजाब कांग्रेस उत्ते लगातार CM चेहरा ऐलाने का दबाव बढ़ रहा है। इस दे मद्देनज़र ही 6 फरवरी को पंजाब कांग्रेस के CM चेहरे का ऐलान किया जाएगा। इस दे लई लुधियाना विच वर्चुअल रैली की जा रही है। यह भी दसनयोग है कि मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी CM चेहरे की दौड़ में सब तो अगे ने। उन्हां दे नाल पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी CM चेहरे के दावेदार ने। इस संबंधी मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि कांग्रेस आगू राहुल गांधी 6 फरवरी को CM चेयर का ऐलान करेंगे। पंजाब विच चोणां दा माहौल पूरी तरह नाल भखिया होया, जिहे विच पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू विरुद्ध कुछ साल पहला बंद होया रोड रेज मामला सुप्रीम कोर्ट विच मुड़ तो खुल गया। हालांकि सिद्धू नूं कोर्ट वालों थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सिद्धू वालों इस मामले में लैके दायर मुड़ विचार पटीशन उत्ते सुनवाई 25 फरवरी तक ढाल दी है। दो जजां ने सिद्धू के वकील की अपील उत्ते इस मामले की तरीक तय की है। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस को जबर जनाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट वालों वड्डी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी उत्ते 1 हफ्ते लिए रोक लगा दी है। अदालत ने पंजाब सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने लिए कहा है। दसनयोग है कि लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस ने स्थानक अदालत वालों गिरफ्तारी के हुक्मों विरुद्ध अंतरिम जमानत लिए पटीशन दायर की है। चढ़ती कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी को भारत सरकार वालों सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री देने का ऐलान करने तों बाद हुण तक कई नामी संस्थावां सरदार दर्दी नूं सन्मानित कर चुकियां ने। बीती शाम नवीं दिल्ली विच पार्लीमेंट दे दोहां सकत्तरेतां च दोहां सदनां दे उच्च अधिकारियों वल्लों शानदार स्वागत करदे होए सरदार दर्दी नूं विशेष तौर उत्ते सन्मानित कीता गया। राज्यसभा सकत्तरेत विच सरदार दर्दी नूं सन्मानित करदिआं सरदार दर्दी वल्लों लोक सभा ते राज्यसभा विच 1996 तों लगातार निभाईआं जा रहीआं शानदार सेवावां दी भरवीं प्रशंसा कीती गई। जिक्रयोग है कि लोक सभा दे स्पीकर वल्लों सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं लोक सभा की प्रैस एडवाइजरी कमेटी का मैंबर बनाया गया सी। इसी तरह राज्यसभा विच इसके चेयरमैन यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जी ने उन्होंने राज्यसभा की प्रैस एडवाइजरी कमेटी का मैंबर बनाया। राज्यसभा के चेयरमैन ने सरदार जगजीत सिंह दर्दी दी शानदार सेवावां बदले उन्होंने LND पास जारी किया होया। इस समारोह में सन्मान मौके राज्यसभा के डायरैक्टर श्री पवन कुमार, ज्वाइंट डायरैक्टर श्री पुईस परना और बाल मुकंद महापात्रा तो इलावा सर्व श्री राजेश कालड़ा, राजेश शर्मा, अमित आनंद, सुधीर बत्रा, दिलशाद अहमद, विनोद राय, तरुण कुमार, श्री पांडे और पार्थ गुप्ता ने सरदार जगजीत सिंह दर्दी की शख्सियत और पत्रकारी के खेत्र में कीतियां सेवावां ते प्राप्तियां का जिक्र करके मुबारकबाद पेश की। इस समय राज्यसभा सकत्तरेत में मठियाई वंडी गई और सन्मान वजों पार्टी की गई। इसी तरह लोकसभा सकत्तरेत में इसके डायरैक्टर अधिकारियों ने भी
सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं सन्मानित करदे उन्हां दी शख्सियत अते गुणां दी शलाघा कीती। लोक सभा विच सन्मान मौके लोक सभा सकत्रेत दे डायरैक्टर MK शर्मा, डिप्टी डायरैक्टर गणेश अते सकत्रेत दे होर अफसर हाजिर सन। जिक्रयोग है कि लोक सभा दे स्पीकर ओम बिरला जी ने सरदार दर्दी दीआं पत्रकारी दे खेत्र विच खास करके लोक सभा विच पिछले 26 साल तों निभाईआं गईआं शानदार सेवावां दी भरमी प्रशंसा कीती है। उन्हां भारत सरकार वल्लों पद्मश्री दा सन्मान देण दे फैसले दा वी स्वागत कीता है। प्रिंट मीडिया की सब तो वड्डी संस्था द इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी INS की कार्यकारिणी की एक अहम मीटिंग हुई जिस विच चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं भारत सरकार वालों वकारी नागरिक अवार्ड पद्मश्री मिलने उत्ते विशेष तौर उत्ते सन्मानित किया गया। इस मौके INS के प्रधान श्री मोहित जैन ने सरदार दर्दी वालों INS के कार्यकारिणी मैंबर वजों 30 साल तो वध समय तो निभाईआं जा रही शानदार सेवाओं की भरपूर शलाघा करदिआं कहा कि सरदार दर्दी ने चढ़दी कला अखबार से चढ़दी कला टाइम TV राही विश्व भर में अपना नाम बनाया तो इसके लखां पाठक ते दर्शक ने। भारत सरकार वालों सरदार दर्दी नूं पद्मश्री नामजद करना INS अते इसके तमाम माणयोग मैंबरां लई बेहद माण वाली गल है। सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने इस मीटिंग च उन्हां नूं सन्मानित किए जाने लई INS के समूह अहुदेदारां ते मैंबर साहिबान का धन्नवाद किया। इस मौके होरनां तों इलावा श्री K राजा प्रसाद रेड्डी डिप्टी प्रेजिडेंट, श्री MB श्रेयमस कुमार, श्री राकेश शर्मा मीत प्रधान अते श्रीमती मेरीपाल सकत्तर जनरल भी मौजूद रहे। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अपनी पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान किया गया। उन्होंने नाम समेत 11 लीडर के नाम इस सूची में शामिल ने। नाभा की नवी जिला जेल में SP पटियाला हरपाल सिंह की मौजूदगी में करीब 125 पुलिस मुलाजमान वालों अचनचेत जेल अंदर चैकिंग की गई। चैकिंग दौरान जेल अंदर बंद कैदियों को एक मोबाइल, 4 चार्जर और हैडफोन बरामद किए गए हैं। यह चैकिंग करीब 2.5 घंटे चली। पटियाला के SP हरपाल सिंह ने कहा कि करीब 2.5 घंटे जेल की चैकिंग की गई जिस दौरान जेल विचों बरामदगी हुई है। अमृतसर पुलिस वालों की गई नाकेबंदी के दौरान थाना सदर की पुलिस को उस वे बड़ी सफलता मिली जब एक गैंगस्टर को काबू किया गया तो तलाशी के दौरान उस को एक पिस्टल और 2 जिंदा रौंद बरामद किए गए। पुलिस अधिकारी ने दसा कि पिछले दिन लोहड़ी वाले दिन हुए कतल के मामले में एक दोषी फरार से जिसन पुलिस ने असले समेत काबू किया है। पुलिस वालों मुलजम खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जाते जाते नज़र मारद आने वाले कल के मौसम के हाल उत्ते चढ़ती कला।